आपका एक फेवरेट आईडीएफसी लिमिटेड, जरा इसके बारे में बात करें। फ्राइडे को टुवर्ड्स क्लोजिंग हमने एक अच्छा स्पाइक आईडीएफसी फर्स्ट, आईडीएफसी लिमिटेड दोनों में देखा था। आज भी आईडीएफसी लिमिटेड लगभग 4.5% की तेजी में है। यहाँ पर अब अगला लेवल बताएं, कोई ट्रेड दिख रहा है तो वो भी बताएं सर। दीपांशु, आज भी आईडीएफसी लिमिटेड एक स्ट्रेंथ दिखा रहा है, मजबूती दिखा रहा है। पिछले 4-5 दिनों के हाई स्टॉक ने ब्रेक किए, अभी 57 के आसपास स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि स्टॉक के अंदर मोमेंटम बरकरार रहेगा, एग्जिस्टिंग पोजीशन होल्ड करके चले, कोई भी डिप आता है तो फ्रेश खरीदारी करे। 57.25 का लेवल जैसे इसके अंदर ऊपर में ब्रेक होगा तो 60 रूपए से लेके 65 रूपए तक के लेवल आईडीएफसी लिमिटेड के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो 60 से 65 के टारगेट के लिए पोजीशंस होल्ड करें, जल्दी ही ये लेवल ऊपर में आईडीएफसी के अंदर देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल, तो ये है आपके लिए आईडीएफसी पर राय। अब 60 के ऊपर जाने की तैयारी में ये काउंटर आपको आते हुए दिख सकता है, अच्छी तेजी का रुझान इस पर बनाकर जाना चाहिए। ऑटो एंसिलरीज में आज बढ़िया एक्शन है, जमुना ऑटो पर नजर रखिए, सुंदरम फास्टनर्स, जेटी, ईकेटी, ये सारे के सारे स्टॉक्स आपको अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। पिछले हफ्ते हमने देखा मिंदा इंडस्ट्रीज पर भी खरीदारी आ रही थी। जैन साहब, ऑटो एंसिलरीज और स्पेशली ये कुछ स्टॉक्स जिनका मैंने नाम लिया आपके जैन के जेम्स की लिस्ट में भी फीचर हुए हैं, क्या चल रहा है यहाँ पर, बड़े बड़े मूव्स आते हुए दिख रहे हैं, क्या अपॉर्चुनिटी बन रही है सर यहाँ पे? नहीं, सबसे बढ़िया अपॉर्चुनिटी तो ये है कि ये सेक्टर कम चला है, जैसे कि ऑटो इंसिलरी है, पेपर है, होटल स्टॉक्स है, तो रीओपनिंग थीम के बेस्ट कैंडिडेट। और आज भी देखिए मैंने जैन साहब के जेम्स में नेलकास दिया, रीजन यही था कि ये स्टॉक्स चले हुए नहीं है और यहाँ पे डाउनसाइड रिस्क का बहुत कम है क्योंकि मार्केट अब ओवरहीटेड हो चुका है और न्यू हाईज को भी क्रॉस करेगा ऐसा लगता है, जितनी दूर आ गया मार्केट। तो मुझे लग रहा है कि इन स्टॉक्स में जहां जहां ये जो अभी आपने सर नाम लिए, जैसे कि अभी रिको ऑटो सुमित जी ने नाम लिया या जामना ऑटो मुझे बहुत बड़े लगते हैं। नेलकास मैंने आज जो दिया था, ट्रैक्टर्स का है वो बनाता है मतलब एक तरीके से पार्ट, सो और भी बहुत सारी चीजें होगा। सो ओवरऑल आई एम वेरी बुलिश ऑन दी स्टॉक्स और मेरे हिसाब से देखिए सारे जो बड़े दिग्गज है, इवन मदरसन है या बॉश है, ये सब के सब ऑलरेडी बहुत अच्छा परफॉर्म कर चुके हैं। और टायर स्टॉक्स पे स्पेशली मुझे लगता है कि ध्यान देना चाहिए, इवन बैटरी स्टॉक्स एक्साइड लुक्स वेरी प्रॉमिसिंग टू मी, तो आई एम वेरी बुलिश ऑन द सेक्टर। मुझे लगता है कि जो भी ले कम से कम साल डेढ़ साल का नजरिया के हिसाब से लेते इमीडिएटली हो सकता है अभी चल जाए, बट बाद में थोड़ा रिजल्ट्स और ये सब की भी चीजें होती है, सो थोड़ा लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से लीजिए, बहुत अच्छे रिटर्न देंगे ये पूरा सेक्टर। तो ये है आपके लिए राय नेलकास्ट में आती हुई, आइए नतीजे आएंगे कमाई कराएंगे, ये है वक्त जानने का। एक बार फिर से रिसर्च लेकर और आशीष जब तक रिसर्च बताएं तब तक मैं माफ कीजिएगा कुशल हमारे साथ तैयार है, तो पहले कुशल का स्वागत करते हैं। उससे पहले कि हम नतीजे आएंगे कमाई कराएंगे की बात करें, कुशल इस बार कितने रिजल्ट अब तक कवर हो चुके हैं, स्ट्राइक रेशियो क्या रहा है ये बताइए। बिल्कुल अनिल जी, आप देखिए यहाँ पर पिछली बारी का भी रिकॉर्ड टूट गया, हमने 21 स्टॉक्स बताए थे लास्ट सीरीज में और वहाँ पे 19 स्टॉक अभी हिट होते हुए दिखे थे और अब जो आंकड़ा है वो ऑलमोस्ट 27 शेयरों का ऑलरेडी पहुंच चुका है और 26 के रिव्यू मेरे पास हैं, एक का जो नतीजा है वो अभी आना बाकी है जॉनसन कंट्रोल्स का। तो यहाँ पर 26 में जो स्टॉक्स हमने आपको रिकमेंड किए थे उसमें से 23 स्टॉक्स जो है हमारे या तो अनुमान के मुताबिक आए हैं जो हम अच्छे अनुमान कर रहे थे या फिर उससे बेहतर आते हुए नजर आए हैं, और 3 स्टॉक्स ऐसे थे जो हमारे अनुमान से कम आए थे और वहां पर एक मिस आप कह सकते हैं होता हुआ दिखा था जिसमें कैनफिन होम्स, आवास फाइनेंशियल और आरती ड्रग्स शामिल थे। तो कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे तो 26 में से 23 स्टॉक्स जो है वो हिट होते हुए दिखे हैं और करीब करीब 89% का हिट रेशियो अभी हम मेंटेन कर रहे हैं। ओके, तो ये 89% का हिट रेशियो और आप मेरी दबाव बनाने की रणनीति एकदम सही साबित हुई, पिछली बार से मैंने जो दबाव बनाया स्टॉक भी ज्यादा है और परफॉर्मेंस भी बेहतर, तो उसके लिए बधाई कुशल, बहुत ही बेहतरीन रिसर्च आप करके रख रहे हैं और जिससे दर्शकों को बहुत फायदा हो रहा है। आइए अब बिल्कुल आज का नतीजा आएंगे कमाई कराएंगे, तो आज का स्टॉक है मोल्टेक पैकेजिंग। आप देखिए पैकेजिंग फर्म्स जो हैं लगातार बेहतरीन नतीजे पोस्ट करते हुए आ रही हैं, आपने देखा पिछले हफ्ते कॉस्मो फिल्म्स किस तरह के नंबर्स वहां पर आते हुए दिखे थे और यहां पर भी सिमिलर सी एक्सपेक्टेशन जो है मोल्टेक पैकेजिंग में भी हमें नजर आ रही है। 26 मई को कंपनी के नंबर्स आने वाले हैं, यानी कि परसों जो है इसके नंबर्स आएंगे और बेहतरीन एक्सपेक्टेशन आ रही है। खासकर अगर आप देखें तो जो इनका FMCG वर्टिकल है वहां पे बेहतरीन डिमांड थी और साथ ही जो पेंटअप
सेगमेंट्स है उसमें भी जो कंपनी ने कैपेसिटी एक्सपेंशन की थी वहां से भी ग्रोथ जो है क्लियरली आते हुए दिख रहे हैं, और इसी वजह से हम ये कह रहे हैं कि कंपनी की जो आय है 106 करोड़ से बढ़कर 142 करोड़ हो सकती है। तो यहां पर काफी सिग्निफिकेंट उछाल है, और यही नहीं कामकाजी मुनाफे पर भी अगर आप नजर डालें तो 17.5 करोड़ से बढ़कर करीब करीब 29 करोड़ जो है कंपनी अपना कामकाजी मुनाफा भी घोषित कर सकती है। इससे क्या होगा, कंपनी की जो मार्जिन है वहां पर बेहतरी हमें देखने को मिलेगी, और करीब 4% के गेंस हम यहां पर भी एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं, और 16.5% से बढ़कर कंपनी की जो ऑपरेटिंग मार्जिन है वो 20.5% पर रह सकती है। तो तीनों फ्रंट पर आय, कामकाजी मुनाफा और मार्जिन कंपनी दमदार प्रदर्शन कर सकती है, जिसका इम्पैक्ट इनके मुनाफे पर आता हुआ दिखेगा, और दोगुना ऑलमोस्ट कंपनी का मुनाफा हो सकता है, 8.5 करोड़ से बढ़कर 16 करोड़ जो है ये हम आंकड़ा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कंपनी का मुनाफा जो है वो दर्ज करती हुई नजर आएगी। मोलटेक पैकेजिंग ये है वो स्टॉक जहां पर रह सकता है दमदार एक्शन, बढ़िया नतीजे आने की उम्मीद। जय ठक्कर है हमारे साथ, देखेंगे चार्ट और देंगे अपनी राय। जय बताइए, मोलटेक पैकेजिंग दो है, मोलटेक टेक्नोलॉजी भी है वो छोटा वाला है, ये बड़ा वाला है मोलटेक पैकेजिंग 495 रुपए वाला। हाँ, इसके चार्ट देखिए बताइए। जी अनिल जी, ये बहुत ही एक अच्छा कंसोलिडेशन में से ब्रेकआउट दे रहा है, एंड यू नो सपोर्ट अब जो बनकर आ रहा है इसका एकदम नियर टर्म में अगर हम देखें तो दैट कम्स टू अराउंड 485। रिसेंटली अभी एक ब्रेकआउट दे रहा है तो 485 का अनिल जी एक स्टॉप लॉस है, इसको खरीदना चाहिए। कंसोलिडेशन जो हिसाब से इसमें से ब्रेकआउट आ रहा है अनिल जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके ऊपर में जो टारगेट्स बन रहे हैं दैट कम्स टू अराउंड 530 शॉर्ट टर्म में, 530 तक के टारगेट्स हमें देखने मिल सकते हैं। और इनफैक्ट इंटरेस्टिंगली अनिल जी ये भी है कि इसमें लास्ट अगर एक हफ्ते का हमें वॉल्यूम्स देखें तो बड़ी बढ़िया वॉल्यूम्स के फिगर्स हमें देखने मिल रहे हैं, एक अच्छी अपनी वीकली एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, और इंडिकेटर्स में क्लियरली एक बाय क्रॉसओवर दिख रहा है, फ्रेश बाय क्रॉसओवर देखने मिल रहा है उसके शॉर्ट टर्म इंडिकेटर्स में। तो यही सारी पैरामीटर्स पे मुझे ऐसा लग रहा है कि मोलटेक पैकेजिंग लगभग 530 तक के टारगेट्स हमें दिखा सकता है, 485 का स्टॉप लॉस या तो शॉर्ट टर्म सपोर्ट रहेगा। ओके, तो ये है आपके लिए मोलटेक पैकेजिंग में खरीदारी करने की राय, यहाँ से भी और बेहतरीन मजबूती का वक्त है। आइए, वक्त है एक और स्टॉक के बारे में जानने का, और वो लेकर आते हैं हर सोमवार को सुबह 9:45 पर वरिंदर बंसल, VRS। वरिंदर, स्वागत है एक बार फिर से आपका, बताइए आज के स्टॉक के बारे में। Good morning, sir. Disclaimer, पहले, I don't own the stock. We have recommended the stock to our Omkara clients, you know, long back. Sir, Omkara में what we do is that we want to, you know, find sectors जो थोड़े से, you know, हम पहले शायद, you know, market से पहले पकड़ सके, और more importantly वो stocks ऐसे हो जिसमें value बहुत हो और अच्छे group से हो stock. तो you know एक power sector ऐसा है sir जहाँ हमें लग रहा है कि बहुत सारे reforms हो रहे हैं, डिस्कॉम से जो पैसा लेना होता है, you know, companies को वो कम हो जा रहा है. So, और ये जो आप भी अनलॉक की बात कर रहे हो सर, आई थिंक अनलॉक के लिए ये एक बहुत बड़ा यू नो बेनिफिशियरी होगा, बिकॉज कमर्शियल हुआ, मॉल्स हुआ, जब खुलेंगे तो इन कंपनीज को बेनिफिट बहुत होगा। तो पावर एक ऐसा सेक्टर है जो आज मेरे ख्याल में ज्यादा बात नहीं हो रहा, बट इसमें कुछ कंपनीज हैं जो इतनी सस्ती है सर, इतनी अच्छी और बड़ी कंपनीज हैं, हम बात कर रहे हैं आज CESC की। आई थिंक इसमें सर बहुत ही बड़ा मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, मार्केट कैप सर कुछ 9,000 करोड़ के आसपास है, और आप इमेजिन कीजिए इसमें जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस है वो 3,000 करोड़ का था इन FY20, मतलब कि आपके मार्केट कैप को सेफ सिर्फ 3 टाइम पे मिल रहा है। वो स्टॉक CESC कलकत्ता इलेक्ट्रिसिटी, जो कई बार सेठी साहब भी रिकमेंड कर चुके हैं, सेठी साहब थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ भी रहे और SPL मिड कैप स्टॉक्स के लिए।